भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी उद्वरण दिवस के अवसर पर कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल में हर्षोल्लास के साथ मिलन समारोह मनाया गया। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का जन्म गुजरात में हुआ है और उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया। यहीं से उन्होंने पूरे भारत और अफगानिस्तान में अपने महानुभाव पंथ धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने अपनी बोली यानी मराठी पर जोर दिया ताकि धर्म की चर्चा आम लोगों तक पहुंचे और वे धर्म को समझे। सच्चे अर्थों में मराठी की सेवा भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने किया। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मुझे रित्तपुर में मराठी विश्वविद्यालय के संबंध में निर्णय लेने का अवसर मिला। सत्ता परिवर्तन के कारण बीच का समय इस विश्वविद्यालय के लिए अनुकूल नहीं था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने कैबिनेट बैठक में इस फैसले की घोषणा की और जैसे ही हम सत्ता में वापस आए उन्होंने कुलपति की नियुक्ति की। वह भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अवराध दिवस के अवसर पर यह सुरेश भट्ट सभागार में आयोजित बैठक में बोल रही थी। इस अवसर पर विध्वंस बाबा, परम पूजनीय करंजीकर बाबा, कापुस्तर्णीकर बाबा, बिड़कर बाबा, मोधो व्यास बाबा, विधायक परिणय फूके, कृपाल तुमानी सहित अन्य साधु संत उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण की शुरुआत में आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बैठक के अवसर पर उपस्थित कई गणमान्य लोग एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। श्री चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र को सरल शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा कि जहां मराठी बोली जाती है वह क्षेत्र महाराष्ट्र है। रिद्धपुर का मराठी भाषा के संबंध में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मराठी में पहली पुस्तक रिद्धपुर में लिखी गई थी और इसकी रचना महानुभाव संप्रदाय द्वारा की गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मराठी को क्लासिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे पास मराठी में ये किताबें महत्वपूर्ण मात्रा में हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो रिद्धपुर के लिए लगभग 230 करोड़ रुपए की विकास योजना तैयार की गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी जिद के कारण ही हम इस काम को यहाँ तक बढ़ा पाए हैं। दरअसल इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने एक समिति बनाई थी और भगवान चक्रधर स्वामी का आशीर्वाद पाकर दोबारा सत्ता में आए। इसी के चलते उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने दोबारा समिति की रिपोर्ट लाकर पहले ही वित्तीय प्रावधान कर दिया था। महानुभाव पंथ और मेरा पिछले 28 वर्षों से घनिष्ठ संबंध है। जब मैं मेयर था तो मुझे चिज भवन में एक बैठक में सेवा करने का मौका मिला था। उन्होंने सुझाव दिया कि चिज भवन क्षेत्र में महानुभाव पंथ के भवन के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग पर प्राथमिकता से विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर महानुभाव ग्रंथ का प्रकाशन गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया गया। महत सहित विधायक परिणय फूके, विधायक कृपाल तुमानी द्वारा समय समय पर उद्बोधन दिया गया। इस अवसर पर रिद्धपुर स्थित मराठी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अविनाश अवलगावकर और अन्य महंतों का अभिनंदन किया गया। या ठिकाणी महानुभाव पंथाशी संबंध खूप जुना आहे। खरं म्हणजे चिजभवनच्या मंदिरात तर आम्ही 90 पासून जातो, पण या ठिकाणी ठाकरे साहेबांना माहिती आहे, अविनाशजींना पण माहिती आहे की ज्यावेळी मी महापौर होतो, मला असं वाटतं आता त्याला जवळपास 28 वर्ष पूर्ण होतील, आणि त्यावेळी ज्यावेळेस चिजभवनला मोठा पंथीय एक संमेलन झालं होतं आणि त्या संमेलनाची सेवा करण्याची आणि त्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची संधी देखील त्या काळी मला मिळाली होती, आणि तेव्हापासून सातत्याने आपल्या महानुभाव पंथाशी एक ऋणानुबंध तयार झाला आणि तो ऋणानुबंध आजपर्यंत कायम आहे। मला माहिती आहे की जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत महानुभाव पंथाशी असलेला ऋणानुबंध हा केवळ कायमच राहणार नाही तर तो सातत्याने वाढत जाईल। आणि म्हणूनच त्यावेळी आपण मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली तर आपण रिद्धपूर विकास आराखडा त्या ठिकाणी तयार केला, जवळपास 230 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार केला। आणि कारंजकर बाबा असतील, खरं म्हणजे ते म्हणाले की ते सातत्याने त्या ठिकाणी त्रास देतात, पण मी निश्चितपणे म्हणतो हा त्रास नाही आहे, तुमच्यासारखी मंडळी हा पाठपुरावा करतात म्हणूनच या गोष्टी होतात, अदरवाईज या गोष्टी होऊ शकत नाही। बाबा आमच्याकडे सरकारमध्ये जी फाईल असते त्याला गोगलगाईची पावलं असतात, ते गोगलगाईच्याच पावलाने पुढे जाते, त्याला धक्काच मारावा लागतो, धक्का मारल्याशिवाय काही पुढे जात नाही, आणि त्या धक्का मारण्याचं काम तुम्ही या ठिकाणी सातत्याने करत असता, इतका चांगला तुमचा पाठपुरावा आहे, तुम्ही आहात, आमचे अविनाशजी आहेत, बाळासाहेब आहेत, परिणयजी आहेत, सगळे लोक इतका या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा करतात, म्हणूनच या गोष्टी आपल्याला खऱ्या अर्थानं शक्य होतात। आणि म्हणून त्याचवेळी आपण मराठी भाषा विद्यापीठाच्या संदर्भात एक समिती तयार केली होती, दुर्दैवाने त्यानंतर सरकार गेलं, समितीचा रिपोर्ट येऊनही त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही, पण मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं भगवान चक्रधर स्वामींचा आशीर्वाद या ठिकाणी मिळाला
आणि पुन्हा सरकारमध्ये आलो. सरकारमध्ये आल्याबरोबर त्या समितीचा रिपोर्ट आपण पुन्हा कारवाईला घेतला आणि तो कारवाईला घेतल्यानंतर मला स्वतःला अर्थमंत्री म्हणून देखील काम करण्याची संधी मिळाली. त्या संधीचा फायदा घेत आपण त्या ठिकाणी आपल्या बजेटमध्ये विद्यापीठाची घोषणा देखील करून टाकली, त्या संदर्भातले GR देखील काढले आणि आज मला अतिशय आनंद आहे की पहिलं मराठी भाषा विद्यापीठ हे रिद्धपूरला स्थापन झालेलं आहे. कुलगुरू स्वतः या ठिकाणी उपस्थित आहेत, कुलगुरूंची नेमणूक झालेली आहे. खरं म्हणजे कुलगुरूच्या नेमणुकीकरता मला असं वाटतं बाबा तुम्हाला कमीत कमी 30-40 चक्र तर कुलगुरूंच्या नेमणुकीकरता कराव्या लागल्या, कारण काही नियम आडवे येत होते पण सगळ्यांचं मत पंथामध्ये होतं की हेच कुलगुरू आम्हाला पाहिजेत. मग आम्ही सगळे नियम बाजूला टाकले आणि त्या ठिकाणी तो निर्णय करून टाकला. मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यावर सही केली आणि त्यामुळे आपलं त्या ठिकाणचं काम झालं. मागच्या काळामध्ये आपण आराखडा जो तयार केला होता त्यातनं 23-24 कोटीची कामं केली होती पण बरीच कामं अजून त्या ठिकाणी बाकी होती. मला अतिशय आनंद वाटतो की आपण या बजेटमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात घोषणा केल्या होत्या आणि त्यानुसार आता श्री क्षेत्र रिद्धपूरचा जो विकास आराखडा आहे त्यात दुसऱ्या टप्प्याचे 25 कोटी रुपये आपण देण्याचा निर्णय केला आहे. त्यानंतर श्री क्षेत्र पांचाळेश्वरला पैसे देण्याचा निर्णय केला आहे. पोईचा देव असेल, जाळीचा देव असेल, गोविंद प्रभू देवस्थान विष्णूरचं असेल, सगळीकडे आपण आणि आपण हे दिवस हा असा निवडला की ज्या दिवशी खऱ्या अर्थानं भगवानांचा अवतरण दिवस आहे आम्ही ठरवलं त्या दिवशीच या सगळ्या गोष्टीला मान्यता द्यायची आणि अवतरण दिवसाचं औचित्य साधून आपण मोठ्या प्रमाणात हा सगळा 78 कोटी रुपयाचा निधी हा त्या ठिकाणी दिला. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट. ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है. देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है. गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है. सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है. इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है. इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है. इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है.